कंपनी बाकायदा तौर पर अपने सहाफियों के जरिए पैगाम भिजवा रही है कि नवंबर तक इमरान खान को सजा देनी है, नवंबर तक, उसके बाद इलेक्शन और इलेक्शन के बाद इन्हें निकलने नहीं देना। पहले लोगों ने मोहम्मद अली दुरानी के जरिए कोशिश की, फिर एजाज़ उल हक को भेजा, आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भिजवाए, मुलाकातें की, इमरान खान को डील की कोशिश की। दो मुतालबात इनके आखिर रह चुके सिर्फ 2-10 में से। तहरीक इंसाफ की एक क्यादत छोड़ दें, मुल्क के अंदर ही रहे, बाहर भी ना जाए, पार्टी से आप पीछे होने और असद उमर को पार्टी चलाने दें, जरा अंदाजा करें। दूसरा, पार्टी इलेक्शन में किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियां नहीं बनाएगी, किसी जनरल बाजवा, फैज, किसी के मुतल्लिक कोई बात नहीं होगी, उनको जिक्र शजर ममनू है। अच्छा, यहां तक तो बात चले ठीक है, सियासत में बहुत से मौजूदात हैं, इलेक्शन में जलसे की एक जबान है, यहां तक किसी हद तक सियासतदान तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन पार्टी की क्यादत से दस्तबरदारी, जिस पार्टी को 26 साल लगा के गली कूचे के नौजवानों से बनाया, खून पसीना खान ने अपना दिया, आपको याद है खान गिरा था क्रेन से, गोलियां लगी से, 200 मुकदमा झेले, बीवी बच्चे छोड़े इस मुल्क पार्टी के लिए, क्यादत छोड़ दे, क्यों, ये नामुमकिन है।